तो हम लोगों ने बेस गार्ड्स मारने हैं जो कि गार्ड पोस्ट्स पर स्टेशन किए गए हैं, और ये वो गार्ड्स हैं जो कि सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, और ये गेम में बहुत ही स्पेसिफिक दो चार लोकेशंस के ऊपर ही मिलते हैं। जैसा कि अब ये कैंप है फ्रेंच सोल्जर्स का, और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोगों ने जब इनको मारना है तो हम डिटेक्ट नहीं हो सकते। तो स्टार्ट करेंगे ये जो ऊपर आर्चर्स खड़े हैं इनको एलिमिनेट करने से, ताकि ये लोग हमें डिटेक्ट ना कर सकें जब हम अपने ओरिजिनल टारगेट्स को मारना स्टार्ट करेंगे। और सेकंड वाले को भी आने देंगे। नाइस। तो अब चल के सुकून से मारना है हम लोगों ने इस दरख्त के कवर में से इन गार्ड्स को, ताकि जब हम एक को मार रहे हो तो दूसरा हमें डिटेक्ट ना करे। सो वेट। और अब सेकंड की बारी। नाइस। तो ये तो अब एक और चैलेंज कंप्लीट हो गया कि रेंज्ड वेपन से हम लोगों ने गार्ड्स को मारना था, तो हम उसके लिए पिस्टल या क्रॉसबो कोई भी यूज कर सकते थे। बट अब अगर हम जाकर देखें अपने डीएनए में, तो यहाँ पे 8 हो चुके हैं, जो कि 2 मैंने रिसेंटली मारे हैं, और मजीद 4 जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। अब वो सामने एक ब्रूट खड़ा है हाथ बांध के, तो वो एक स्टेशन गार्ड है, उसे सेलेक्ट करते हैं। और नाइस। अब इसका साथ वाला अभी इसको चेक करने आएगा। ओके। तो वो चला गया नीचे, कोई बात नहीं, हम भी नीचे चलते हैं। नाइस। तो अब हमने 2 ये मजीद मार लिए। तो अगेन अब जाके अगर हम चेक करें तो अब ये गार्ड जो है वो 10 हो चुके हैं, और स्टिल इस कैंप में जो है वो 2 मजीद यहाँ पे ये स्टेशन गार्ड हैं, तो टोटल 6 हैं इस कैंप में। तो मतलब आइडिया हो चुका होगा आप लोगों को कि किस तरह से हम लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो बस आप रिपीट करते जाएं इस प्रोसेस को, और अल्टीमेटली 20 गार्ड्स जो हैं वो 3 से 4 बार में कंप्लीट हो जाएगा ये चैलेंज। तो ये कैंप एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है बार्टोलोमियो की बैरिक्स के बिल्कुल सामने पानी की दूसरी तरफ, और एक और कैंप इस एरिया पर मौजूद है यहाँ पर। तो इन दोनों कैंप्स को यूज़ करते हुए आप लोग इस चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर सकते हो।